मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। अगर तुमने मुझे बुलाया होता तो सरप्राइज कैसे होते? एक तो मैं तुम्हारी पसंद की चॉकलेट्स लेकर आई हूँ, ऊपर से नखरे दिखा रहे हो तुम। मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया। तो क्या हुआ, पहले तुम नाश्ता कर लो फिर चॉकलेट्स खा लेंगे। तुम्हें मालूम है यहाँ करीब में एक बहुत अच्छा कैफे खुला है, बहुत मजेदार खाना है। मेरी दोस्त वहाँ गई थी, उसने मुझे ये बताया। मैं सोच रही थी कि मैं और तुम भी वहाँ चलें। क्या हुआ, मुंह क्यों बना हुआ है? मैं अकेले रहना चाहता था। अगर मेरे साथ नाश्ता कर रहे हो तो क्या बुरा है? तुम्हें मालूम है ना कि सरप्राइजेस मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। वैसे तो सरप्राइजेस मुझे भी पसंद नहीं, लेकिन तुम्हारी असिस्टेंट का मुझे किसी और से मालूम हुआ। हाँ तो ऑफिस की हर बात मैं तुमसे पूछ के या तुम्हें बता के तो नहीं करूंगा ना। चाय पियोगी? नाश्ता तो किया ही नहीं तुमने। मैं कर चुका। बातें सुना रही थी मुझे। कौन? तुम्हारी असिस्टेंट। क्या कह रही थी? यार मैं वॉशरूम गई तो वहां मिल गई थी मुझे। मैंने उसे कहा जरा मुझे दो टिश्यू तो देना, पता नहीं किन हवाओं में उड़ रही थी, बड़े स्टाइल से पलट के उसने मुझे जवाब दिया। मैडम मैं मुराद साहब की असिस्टेंट की असिस्टेंट हूँ, समझी? सही तो कह रही थी वो। मैंने भी उसे करारा जवाब दिया कि मुराद साहब की गर्लफ्रेंड हूँ मैं। कहती है ये कोई पोजीशन नहीं है। ये भी ठीक है। तुमने ऐसा क्यों कहा? पता है ना वो हमारे काम की जगह है। अरे वो मेरी बेइज्जती कर रही है, और पता नहीं तुम इस बात को क्यों नहीं समझ रहे। कल से वो वहां नजर ना आए मुझे। क्या मतलब इस बात का? उसे निकाल दो जॉब से। सच बोलने के जुर्म में? उसे और तुम्हें देख चुकी हूँ मैं। क्या मतलब है तुम्हारा? आर्काइव में जिस तरह उसके साथ चिपके हुए थे सब देखा था मैंने। एक एक्सीडेंट था वो। हाँ वो एक्सीडेंट था। अच्छी तरह जानती हूँ ऐसी लड़कियों को, पहले वो ऐसी ही मासूमियत का ढोंग रचाती हैं, फिर शिकार बना लेती हैं अपना। दीदम वो एक्सीडेंट था, बता चुका हूँ, और इस बात का मैं पाबंद नहीं हूँ कि हर बात तुम्हें एक्सप्लेन करूँ। मुझे हर्ट कर रहे हो। तुमने ही की थी शुरुआत मुराद, क्या तुम मुझे एक मौका और नहीं दे सकते? देखो इस मौजू पे हम पहले भी बात कर चुके हैं, इंसान अपने साथ खुद ही बुरा करता है। जिस मौके की तुम बात कर रही हो वो खो चुकी हो पहले ही। एक मौका तो दो। इसका कोई फायदा नहीं।